हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और देखेंगे उनकी लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है रूम्स रीडिंग के जरिए। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें मन ही मन याद कर रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के मन में करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स इनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति काफी स्ट्रांगली कोई फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर साइन। ठीक है, इनकी एनर्जी में कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का सामना किया है। कभी बात होती है, फिर एकदम से बंद हो जाती है, फिर पैचअप होता है, फिर प्रॉब्लम आती है। यूनिवर्स, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है? आपकी भी एनर्जी में निकाल रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी एनर्जी में ना मुझे काफी स्ट्रांगली फायर साइन मिल रहा है, एरीस, लियो, सैजिटेरियस, और यहां पर मुझे काफी स्ट्रांगली अर्थ साइन मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये कुछ राशियां ज्यादा दिखी है, हाईलाइटेड साइन ही मैंने बताई है। तो सबसे पहले ना मैं आपकी एनर्जी से शुरू करती हूँ। आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। आई डोंट नो कि मुझे रोमांटिक एनर्जी दिख रही है, आप बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, खुद के साथ हो सकते हैं या तो किसी को डेट वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी में रोमांटिक एनर्जी और एम्प्रेस की एनर्जी ज़्यादा है। आप किसी को या तो डेट कर रहे हो या किसी से बहुत लवी डवी बातें कर रहे हो, या ये फ्लर्टिंग व्लर्टिंग आप खुद से ही कर रहे हो अपने आप में ही, या हो सकता है कि ख्याली पुलाव में जो है आप बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि मन ही मन सोच विचार करना कि अगर आएगा तो ऐसा करूंगी या आएगी तो वैसे करूंगी, लव के बारे में सोचने की एनर्जी हो सकती है आपकी, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ना एग्जॉशन या एनजाइटी की हो सकती है, बिकॉज आप लव के लिए क्रेव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि प्यार मिल जाए पर वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप एकदम से छटपटा रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, सेक्शुअल डिजायर्स हाई हो गई हैं आपकी, एकदम से आपकी इच्छाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं किसी इंसान का अपनी जिंदगी में ना होना या खालीपन का एहसास जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में आप इमोशनली, यस डेफिनेटली, आप जो है बदल रहे हैं, आप में, आपके अवतार में चेंजेस हैं। आप डेट कर रहे हैं, या तो किसी को डेट कर रहे हैं या डेट करने के बारे में सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग एनर्जी है, आप ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि दिस दिन इन मतलब दीज डेज आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली या रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपको लव मिले। स्पेशली यहाँ पे मुझे इंटिमेसी की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना इंटिमेसी मिस कर रहे हैं, किसी का टच, किसी का किसी के लिए फीलिंग्स, किसी की क्लोजर, बोलते ना किसी का नज़दीक आना, किसी का आपके लिए तारीफ करना, लाइक नो स्ट्रिंग्स अटैच वाला रिलेशनशिप, पता है, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली एनर्जी, कुछ वैसा है कि आप कोई ऐसा रिश्ता चाह रहे हो या ऐसे किसी रिश्ते में हो जिसमें आप जो है कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी आप को फील करना चाहते हो, अपने आप को इन्जॉय करना चाहते हो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप लाइक काफ़ी ज़्यादा आप में चेंजेस है। सती सावित्री वाली एनर्जी खत्म हुई और यहाँ पर साथ में बरकाना है ना, तो बरकाना की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप में सुंदरता भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस और फीलिंग्स भी बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में आप या तो बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी में चले गए, एकदम से वो बच्चे वाली एनर्जी होती है ना, जो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है लाइफ में, नए नए लोगों से मिलना चाहता है, नए नए लोगों से बात करना चाहता है, या अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहता है, क्योंकि रोमांस की इच्छा ज़रूर दिखाई दे रही है। इन दोनों आपकी मदर का या तो आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, या तो आप अपनी मदर को बहुत मिस कर रहे हैं, अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहे हैं, या तो आपको उनका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, क्योंकि मदरली एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में, अगर मैं सबसे पहले बताऊँ कि लाइफ में क्या चल रहा है, यार उनकी लाइफ में ना मुझे सबसे पहले तो दिख रहा है या ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली मैरिड है, या तो इनकी मदर के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, ये मैरिड हो सकते हैं या हो सकता है एंगेज्ड हैं,
या तो ये मदर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों के रिलीजन या एज में भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, हो सकता है कि इनकी और आपकी एज में बहुत बड़ा अंतर है या रिलीजन में बहुत बड़ा, कास्ट में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ऐसे दिख रहा है कि डिफरेंसेस ज़रूर यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं तो मुझे कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, बट वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हैं, वहाँ चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं, ऐसा लग रहा है वहाँ कोई सेपरेशन की एनर्जी है या कोई टावर मोमेंट चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और स्ट्रेस है, बातचीत नहीं है और दूरियाँ ज़्यादा है। यस आपके पार्टनर और कहीं ना कहीं ये जो भी इनकी लाइफ में है ना, उनके साथ इनका सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कोल्ड हो गए हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, पहले जितना बात नहीं करते या मस्ती नहीं करते, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इमोशनली अवेलेबल नहीं है किसी के लिए भी, लो फील कर रहे हैं। ध्यान आपकी तरफ ज़रूर जाता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी ना आपके प्रति एक एडिक्शन या लस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये इंसान का आपके ऊपर ध्यान ज़रूर जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ये सेपरेशन का सामना कर रहे हैं, कोई सेपरेशन है या बहुत झगड़े फसाद प्रॉब्लम्स। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड एनर्जी है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है, फाइनेंशियली ये ग्रो नहीं कर रहे जितना होना चाहिए, पैसों को लेकर बहुत सोच विचार दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार। आपके पार्टनर की अगर मैं अभी करंट फीलिंग्स अगर बताऊं तो यार ये अपने पैसों को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा काम को लेकर सोच विचार ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। यस, काम को लेकर, ये अपनी सेविंग्स को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा खर्च हो गए हैं, सेविंग हो नहीं रही है, इन्वेस्टमेंट जितने किए हैं उसमें लॉस हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेस है इनकी लाइफ में पैसों को लेकर, ये पैसों के लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और आपकी आपके रिलेटेड जो फीलिंग्स है ना, वो किसी को दिखा नहीं रहे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये हाइड करने वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं कि यार मुझे ना ये किसी को दिखाना नहीं है या किसी को महसूस नहीं होने देना है कि यार इस फलाना पर्सन को मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हो सकता है ये प्रिटेंड कर रहे हैं, कोई अगर आपके बारे में बात भी कर रहा है ना, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कोई आपके बारे में बात करता है, इनसे 100% बात करता है कोई, ये इनका कोई दोस्त हो सकता है या कोई हो सकता है कि इनको शायद सरकैज़म या ताने मारने के लिए आपके लिए कुछ बोल देता है, बट ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि ये आपको जानते नहीं या आपके बारे में सोचते ही नहीं, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली, और काम पे और सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़रूर है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियली ये स्ट्रेस्ड हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर कोई फेवर्स वगैरह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, किसी की गाइडेंस यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस्ड है आपके पार्टनर। यूरोपंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसी थर्ड पार्टी का सामना कर रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, किसी ऐसी थर्ड पार्टी का आप सामना कर रहे हो जो फाइनेंशियली या तो स्ट्रांग है या इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उस वजह से उस तरफ टिके हुए हैं लेकिन वहां से उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है, वहां पर भी लड़ाई चल रही है, इशूज चल रहे हैं, और यह हो सकता है कि ये इशूज की वजह से ये इनका सब कुछ छीनना चाहती है या छीनना चाहता है, ये इंसान कुछ है जो इनसे छीनना चाहता है, कहीं ना कहीं इस इंसान के वजह से इनकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो आप नहीं हैं, आपकी तो फीलिंग्स दिखाई नहीं रहे, आपके लिए तो फीलिंग्स इन्होंने हाइड करके रखी हुई हैं, ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपके बीच में और इनके बीच में कुछ था ही नहीं, जबकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये आपको लेकर इतने ख्याल, मतलब इतना सोचते हैं, इतना ज़्यादा आपको याद करते हैं कि क्या ही बताएं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप दोनों में डेफिनेटली एज का डिफरेंस तो है, आप दोनों में एज का डिफरेंस है यहाँ पर आपके पार्टनर, लेकिन आपका केयरिंग एटीट्यूड बहुत याद कर रहे हैं, आप इनकी बहुत केयर कर देते हैं, आप इस इंसान की तरह इन्हें नीचा नहीं दिखाया आपने इनको कभी, मतलब आप चिंतित रहे हमेशा, इनके दुख में आप जल्दी खड़े हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप इनकी हेल्थ में भी बहुत ध्यान देते थे, इनकी हेल्थ का भी कुछ हो जाता तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते, ये आपसे लिटरली मिलना चाहते हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में मेजर शिफ्ट है, आप बस अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हो, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ नहीं, ऐसा लग रहा है कि बस चाहते हो कि कोई प्यार दे, कोई स्टेबिलिटी दे, कोई आपके साथ अच्छी बातें करे, कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको बेटर फील कराए, बेसिकली आप बहुत लंबे समय से लॉस्ट एनर्जी में रहे हो, खुद को ढूंढ रहे हो, और अब जो एनर्जी आई है ना, जहाँ पर आप खुद से प्यार कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी सुंदरता की कोई तारीफ भी करे, कोई मेरे भी करीब आए, कोई मुझे भी बेटर फील कराए, तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि आप जो है काफ़ी स्ट्रांगली आप डिफरेंट हो चुके हो, आप बहुत डिफरेंट एनर्जी में हो, पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, आप डेफिनेटली किसी नए व्यक्ति से या तो डील कर रहे हैं या तो डेटिंग एनर्जी में है,
बट आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट ये दिखा नहीं रहे, ये बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में, ये एनर्जी बहुत प्रोटेक्टिव है, यानी कि हाइडिंग एनर्जी है, जहाँ पर ये डिफेंसिव, मतलब ऐसा समझ लो कि कोई व्यक्ति इनके इनको अगर आपके लिए ताने कस रहा है या बात कर रहा है ना, तो ये ऐसे दिखा रहे हैं कि अरे वो कौन है, उसकी लाइक की थी क्या मेरे सामने रहने की, या वो था क्या वो मेरे बराबरी का, किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं तो उसको देखूँ भी नहीं यार, मेरे को उसको देखना भी पसंद नहीं है, वो मेरी लायक में नहीं है। सही, कहीं ना कहीं उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे ये जैसे आपको पसंद ही नहीं करते थे कभी, मतलब ऐसा था कि तुम मुझे किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, या तुम मेरे सामने किसके बारे में बात कर रहे हो, वो लायक ही नहीं है मेरे। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर जो बहुत डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, और ये इस वक्त खुद को बचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी आर्या पार की सिचुएशन है, ये बर्बाद हो सकते हैं, इसीलिए आपके पार्टनर बर्बाद ना हो जाए इसलिए खुद को ना एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा तो कुछ ही नहीं है ही नहीं, तुम फालतू का दिमाग चला रहे हो, मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इनको मजबूर कर रहा है कि वो अपनी आपको लेकर कोई फीलिंग्स कन्फेस कर दें या बता दें। अब देखो, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई थर्ड पर्सन नहीं था, तो स्ट्रांग चांसेस है ये किसी नए व्यक्ति से डील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम में और कुछ महीनों में, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं था तो बोल रही हूँ, कि किसी नए व्यक्ति से डील कर रहे हैं, और वो नया व्यक्ति आपके पास्ट के बारे में खुट खुट कर रहा है, इनके पास्ट के बारे में, कि वो कौन थी और वो क्यों थी, उसके साथ क्या हुआ, उसका तुम जो बोल रहे हो वो ऐसा क्यों बोल रहे हो, और ये ऐसा बोल रहे हो कि नहीं यार वो मेरी लायक ही नहीं थी, वो मेरा ऐसा था ही नहीं, एक प्रिटेंडिंग एनर्जी जहाँ पर ये ऐसे दिखा रहे हैं कि ये बहुत उस कैटेगरी में आपको मानते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है, बट ये आपको अंदर ही अंदर बहुत मिस कर रहे हैं कि यार वो इंसान क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, प्रिटेंडिंग। और ये इंसान के पास पावर है आपके पार्टनर को बर्बाद करने का, और ये बात मैं एकदम खुले चौड़ पे बोल रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, 100% इस इंसान के पास कुछ तो ऐसा पावर है जो इन्हें राजा और रंक बनाने का कहीं ना कहीं एनर्जी रखता है, या तो ये इनको राजा बना देगा या इनको एकदम फकीर वाली हालत में छोड़ देगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसके वजह से इस इंसान से बहुत डरते हैं, यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर इमोशनली बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमोशनली येस डेफिनेटली ये आपको आपकी एनर्जीज को बहुत याद कर रहे हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, और आप दोनों में हो सकता है पैसे की कोई लेन देन हुई है पास्ट में, तो वो पैसे भी लौटाना है इनको, बट उनको नहीं समझ में आ रहा है वो कैसे लौटाएंगे, हो सकता है कि लेन देन है जो उनको देनी है, तो उसके लिए भी थोड़े से कन्फ्यूज है कि वो आपको रिटर्न कैसे करेंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर जो है काफ़ी स्ट्रांगली, मतलब जैसे कि आपको याद कर रहे हैं, आपके सपोर्ट आपकी केयर को याद कर रहे हैं, आप इनके लिए बहुत कुछ करते थे, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, और वो सब इनको अब याद आ रहा है, इनका ऐसा है कि यार इस इंसान ने ना मेरी ज़िंदगी को बनाया, मेरे को बनाया, ये आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, बट एक होता ना कि ये व्यक्ति ना आपको पूरी तरह खुद को समर्पित नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह जितना आपको एक समर्पित कर देना चाहिए ना कि यार ठीक है, या एक्सप्रेस करना चाहिए कि लुक ये है मेरा प्यार, ये हूँ मैं, वो नहीं कर रहे हैं। ऑब्स्टेकल में ईसा की एनर्जी है, शांत है, चुप है, नो कॉन्टैक्ट, या तो नो कॉन्टैक्ट या तो चुप है, अवॉइड कर रहे हैं और आपको पूरा सत्य नहीं बता रहे हैं, लाइक ये ऑब्स्टेकल है ईसा की एनर्जी, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, जबान बंद है, आप समझ लो मुंह पे ताला है, मुंह पे ताले वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ अडिक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि ये ईसा की एनर्जी ना अडिक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बट ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि कोई पूजा पाठ करके या मे बी किसी तरीके से, ये बस अपना माइंड आपसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप में एम्प्रेस की एनर्जी ज़्यादा है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो पहले से, आपके पार्टनर के और आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यस आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके वजह से आप इस रिश्ते से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को डेफिनेटली आपने चोट पहुंचाई है, एक दूसरे को हो सकता है या एक नहीं दूसरे को हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए आप लोग अलग नहीं हो पाते हो एक दूसरे से, अलग होने की कोशिश करने पे भी कुछ बात बनती नहीं, आप लोगों का कुछ नहीं हो पाता। यस डेफिनेटली आप लोग एक साथ होने के लिए ही हैं, आप दोनों का रिश्ता एक होगा, भले आपकी कास्ट अलग है, भले एज अलग है या कुछ भी, आप लोग दोनों एक होंगे एट द एंड, बिकॉज इसके लिए ही आप लोग दोनों में इतने डिफरेंसेस आते हैं। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द या बहुत आसानी से नहीं होने वाला, इसमें बहुत डिफिकल्टीज होने वाली हैं आप लोगों की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और उल्टा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ये निकल जाए, पर निकल नहीं पा रहे, और किसी का इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा,
मतलब ये इनको बहुत गंदे लेवल का फकीर बना सकता है, या ये बहुत गंदे लेवल पे, बोलते हैं ना बड़े लेवल पे राजा बना सकता है। इनमें बहुत पावर है, ये इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आपको लग रहा होगा ये ब्लैक मैजिक वगैरह का इशू है, बट ये ब्लैक मैजिक नहीं है भाई, ये पावर है। कोई पावर है इनके पास, ये कैसे ना, या तो इनको बदनाम करना चाहते हैं, लाइक अगर ये इंसान आपकी तरफ देखते हैं तो, या ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा लाइक कोई प्रॉपर्टी इनके पास है जो छीन सकते हैं, या अब लेट्स से कोई कमिटेड रिलेशनशिप है तो ये जाते जाते सब इनसे लेकर चले जाएंगे, कुछ दिक्कत है। और ये कोई नया व्यक्ति है तो ये नया व्यक्ति भी बहुत पावरफुल है। अगर इनकी लाइफ में नया व्यक्ति है ना, तो ये नया व्यक्ति भी पूरी चोटी का जोर रखता है कि इनकी ज़िंदगी में इनको अर्श से फर्श तक लाए, मतलब एकदम आसमान से ऊपर से पटक सकता है। और आपको लगेगा वो ब्लैक मैजिक है, पर ये ब्लैक मैजिक नहीं है भाई, ये कमज़ोरी है। इस इंसान के पास आपके पार्टनर की कोई दुखती रक्त है, जिसके वजह से ये इंसान आपको चाहकर भी वो प्यार नहीं दिखा सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप दोनों में वो डिफरेंसेस दूर नहीं हो पाते। हेल की एनर्जी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में लव बहुत ज़्यादा है। दोनों एक दूसरे से दूर भी रहकर एक दूसरे से बहुत प्यार कर सकते हो, सालों साल कर सकते हो, साथ साथ आठ आठ साल कर सकते हो। यानी कि अगर आप सोचो ना कि आप ऐसा सोचो कि ये रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये समझो कि इस रिश्ते में ना आप लोग मरते दम तक ना एक दूसरे को नहीं भूल सकते, एक दूसरे से प्यार करना बंद नहीं कर सकते। बट आपको मैं एक बात बोलूं, आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो मूव ऑन करने के लिए, वो मत करो, आप मत करो ये कोशिश। आप ज़्यादा ये कोशिश करोगे आपको ज़्यादा हर्ट होगा। कुछ लोग ज़बरदस्ती मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं दीदी वो रिलेशनशिप में मुझे कुछ सही नहीं मिल रहा है, तो मूव ऑन। मूव ऑन एक वर्ड है जिसको ये समझाना आपको ये समझाना पड़ेगा कि मूव ऑन का मतलब ये है कि आपकी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेंगी। आपको प्रायोरिटीज बदलना, यानी कि आपको जो सबसे पहले टॉप पे अपने पार्टनर को रखने की आदत है, वो चेंज करके अपने टॉप पे अपने काम को, अपने आप को रखने की जरूरत है। ठीक है, तो मूव ऑन शब्द एक्चुअली में ये है, पर लोगों को लगता है कि मूव ऑन का मतलब ये है कि हम जो है पर्टिकुलर पर्सन को सोचना बंद कर देंगे, बोलना बंद कर देंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तो ये फैक्ट नहीं है। मूव ऑन मतलब आप यार, अगर पुराने किसी दोस्त का नाम याद कर लो, कोई पुराना दोस्त जिससे झगड़ा हुआ है, आज भी आपको याद होगा वो फलाना पर्सन से मेरा झगड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि उस इंसान की नफरत लेकर जिंदगी भर चलोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। मूव ऑन मतलब ऐसा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से इसलिए दूर नहीं हो पाते हो क्योंकि दोनों को पता है कि एक टाइम पे आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया है, आज चाहे सर्कमटेंसेस कुछ भी हो, लेकिन एक दूसरे का साथ आप लोगों ने दिया है उस टाइम पे। तो इसीलिए ना वो वाला मूव ऑन आप एक्सपेक्ट मत करो कि कंप्लीटली भूल जाऊंगी, गजनी बन जाऊंगी, या याददाश्त ही नहीं होगी, या एक दिन उसको देखूंगी और बोलूंगी अरे आप कौन, मैं तो आपको जान भी नहीं रही हूँ। ऐसा मूव ऑन नहीं होता है, ये मतलब बहुत ही इलॉजिकल मूव ऑन हो गया। मूव ऑन यानी कि अपनी प्रायोरिटीज को बदली करो, आप अपनी लाइफ में अपने काम को ध्यान दो, जबरदस्ती पुश मत करो कि इस इंसान को मैं भूल जाऊं, क्योंकि तुम 50 बार अगर ये बात बोल रहे हो ना मैं भूल जाऊं भूल जाऊं भूल जाऊं, तो ये चीज़ वर्क करने वाली नहीं है, उल्टा आपके लिए बैकफायर कर जाएगी। ठीक है, और ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है, मैं सभी के लिए नहीं पर बहुत लोगों को मैं बोलूंगी बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि आपने कोई एक्टिविटी करी है, इसके वजह से आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपने इनको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए किसी तरीके की एक्टिविटी का इस्तेमाल किया, हो सकता है मैनिफेस्टेशन, हो सकता है कोई और रेमेडी या कुछ, तो उसके वजह से भी आप इनसे अटैच रह गए हो, आप इनसे बोलते ना इनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। आपका काम पे प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। तो अगर आपने कोई एक्टिविटी की है तो उस एक्टिविटी को ख़त्म करो, उसको तोड़ो, वो करना बंद करो, क्योंकि उससे हो क्या रहा है ना कि आप स्पिरिचुअल फॉर्म को ना काम नहीं करने दे रहे हो, जो स्पिरिचुअली आप लोगों के लिए चीज़ होनी चाहिए, भगवान की बोलते ना यूनिवर्स की तरफ से होनी चाहिए, भले देर से होनी चाहिए, वो सुंदरता से होती है, वो सही तरीके से वर्क करता है, सही टाइम पे इंसान को एहसास हो जाता है, वो सही टाइम पे आपकी लाइफ में आता है और सब चीज़ें बेटर करता है या करती है। बट यहाँ पर आप वो टाइमिंग को ख़राब करने की कोशिश करोगे ना, तो आप डेफिनेटली परेशान होगे, है ना, आप अपसेट होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आप उसकी एनर्जी से ज़बरदस्ती खुद को जोड़ रहे हो। आप अपने कार्य पे, अपने जो कर्मा है उस पर काम कर ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा नहीं, मेरे को शॉर्टकट चाहिए, मुझे अभी चाहिए। एग्ज़ाम दोगे, देखो परीक्षा दोगे, एग्ज़ाम के लिए मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे और एग्ज़ाम दोगे, तभी तो रिजल्ट आएंगे ना अच्छे, तभी रिजल्ट एंड में आएंगे ना। अभी पूरा 1 साल का प्रोसेस होता है, हम सेमिस्टर्स देखते हैं, एक टर्म दूसरा टर्म ऐसा होता है ना, पूरे 1 साल का प्रोसेस, तो 1 साल बाद रिजल्ट हमें जो है बाद में मिलते हैं, है ना। तुम ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए और फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते ही आपका ग्रेजुएशन हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो इस बात को समझो, ये एक प्रोसेस है जिससे आपको लर्न करना है और अपने ऊपर बेहतर काम करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है, खुद को बहुत ज़्यादा अपनी परीक्षा में सफल होना है। आपकी परीक्षा में आप सफल हो जाओ, आप अपनी पढ़ाई पे, अपने कार्य पे, अपने कर्मा पे, सब पे ध्यान दो, सून आपकी ज़िंदगी में आपकी ग्रेजुएशन है तो होगी ज़रूर, आपकी लाइफ में आप भी अचीव करेंगे। बट आपको उसको पुश करके चीज़ों को ठीक नहीं करना है, बिकॉज अगर आप पुश कर रहे हो तो उससे आप सिर्फ हर्ट हो सकते हो। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन
आप लोगों की रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा दिख रही है और आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी टावर मूवमेंट का सामना कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रिलेट कर रही है कि आप लोग दोनों के बीच में बार बार रिश्ता बनता है टूटता है क्योंकि दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। क्लैरिटी अब नहीं रही, समझदारी या मैच्योरिटी खत्म हो चुकी है इस रिश्ते की। तो यहाँ पर मैच्योर होकर सेंसिबली रिलेशनशिप को डील करो, प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा इमोशनल कम हो जाओ, तभी वो रिलेशनशिप आप लोगों के लिए सर्वाइव करेगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं जैसे ब्रेसलेट के रिलेटेड या पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, व्हाट्सअप के नंबर स्क्रीन पर है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, टीम से आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।